नमस्ते दीदी। नमस्ते, बैठिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज हम लोग का बैठक है ना, तो सम्मू का, स्वयं सहायता समूह का, तो उसका पुस्तक लिख रहे हैं। दीदी, समूह के बारे में हमको कुछ जानकारी बताइएगा। जरूर बताएंगे, हम लोग जैसे गरीब से बाहर आए हैं तो उस बारे से हम आप लोग को भी बताएंगे। बताने से पहले आपका परिचय दे दीजिए थोड़ा। सभी को मेरा जुहार। मेरा नाम है भलंती महतो, गांव पंचपैया, उजाला स्वयं सहायता समूह का सदस्य हूँ, प्रखंड मनहरपुर। दीदी, समूह में आप कब से जुड़े हैं? 15/8/2012 को जुड़े हैं। 12 में हम लोग समूह जुड़े हैं, और हम लोग को समूह में बहुत इच्छा था समूह जुड़ने के लिए, लेकिन हम लोग को कोई भी नहीं बताते थे कि समूह क्या है, क्या फ़ायदा है, वो सब बारे से मालूम नहीं था। तो हम लोग समूह जुड़े, 10 से 15 महिला जुड़े समूह में, और वहीं से हम लोग सदस्य सब बात किए कि अध्यक्ष सचिव का सदस्य भी चुनाव किए, और वहीं से हम लोग का रजिस्टर पुस्तक लिखने के लिए एक पुस्तक संचालक दीदी को भी चुनाव किए। अच्छा दीदी, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष पुस्तक संचालन का समूह से ही चुनाव करते हैं? जी हाँ, समूह से ही हम लोग चुनाव करते हैं। अच्छा दीदी, समूह में 10 से 15 सदस्य हो सकते हैं? जी हाँ, 10 से 15 सदस्य ही रहना चाहिए समूह में, कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए, अधिक से अधिक 15 सदस्य होना चाहिए। दीदी, समूह में क्या क्या नियम का पालन करते हैं? समूह में 5 नियम है, 5 नियम को 5 सूत्र बोला जाता है, उसको हम पालन करते हैं। दीदी, पहला नियम है नियमित बैठक। नियमित बैठक बोलने का तरीका, जैसे कि हम लोग सप्ताह में एक बार बैठते हैं, उसको नियमित बैठक बोलते हैं। दूसरा नियम है नियमित बचत। सप्ताह में हम लोग 10 रुपया बचत करते हैं। तीसरा नियम है आंतरिक उधार, जैसे कि हम लोग जमा करते हैं और कोई एक दूसरा दीदी को ऋण देते हैं, जिस दीदी को जरूरत पड़ता है उस दीदी को ऋण देते हैं। चौथा नियम है उधार वापसी, जैसे कि दीदी ऋण ली है तो उसको वापस करने से और एक दीदी को देने के लिए मौका मिलेगा। पांचवा नियम है पुस्तक संचालक, जैसे कि पुस्तक उपस्थिति, फिर बचत, बचत का बाद ऋण वापसी, ऋण वापसी का ऋण भुगतान, उसका बाद पुस्तक संचालक सब पढ़ के सुना देती है, उसका बाद हम लोग सिग्नेचर करके अपना अपना घर चल जाते हैं। दीदी, समूह में जुड़कर आप लोगों को क्या क्या लाभ हुआ? समूह में जुड़ के हम लोग को बहुत फायदा हुआ, जो कि एक दूसरे का मदद के लिए, फिर दुख सुख सबके लिए, जैसे कि किसी का बच्चा बीमार है तो उसका भी तुरंत ऋण मिल जाता है, तो उसके लिए समूह हम लोग को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही लाभदायक है। 10-10 रुपया बचत करके काफ़ी बचत कर लिए हैं, और हम लोग पहले 100-200 करके ऋण लेते थे, अभी तो हम लोग 5,000 से 10,000 तक भी ऋण ले रहे हैं और आपस भी कर रहे हैं। सभी का मेरा जुहार। ये मेरा अनुरोध है कि सभी दीदी समूह में जुड़िए और समूह का फायदा उठाइए और 5 सूत्र पालन कीजिए।
ये समूह हमारी, ये समूह हमारी, अच्छा हो बुरा हो हम सब की जिम्मेदारी। गाड़ी का चक्र जैसे एक साथ चलेंगे, गरीबों की एकता से मजबूत मिलेंगे। ये समूह हमारी, ये समूह हमारी, अच्छा हो बुरा हो हम सब की जिम्मेदारी। अच्छा हो बुरा हो हम सब की जिम्मेदारी, अच्छा हो बुरा हो हम सब की जिम्मेदारी।